मिस्टी कुहू का मास्टर प्लान, दूल्हे की खुली पोल, अबीर मिस्टी की मिठास, दामाद जी की खातिरदारी, वो कहावत है ना, बुराई का अंत एक ना एक दिन तो होना ही था। वेद बाबू राजवंश परिवार के दामाद बनने का सपना सजोए बैठे थे। क्या पता था कि शादी के ही दिन ससुराल वालों का इतना प्यार मिल जाएगा। हमारा मतलब है लाद खूंसों वाला प्यार। जी हाँ, अबीर और कुणाल समेत सारे घर वाले आज दूल्हे राजा वेद की कर रहे हैं धुलाई। आखिर क्यों, खुद ही सुन लीजिए। ये सारा जो यहाँ पे हो रहा है, ये मिष्टी का बिछाया हुआ जाल है वेद के लिए, क्योंकि मिष्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी फ्रेंड की लाइफ बर्बाद हो। वैसे लड़के से शादी करे जो जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, जो जिसका कैरेक्टर ऐसा है, तो शी विल सेव अ फ्रेंड एनी हाउ। मेरी बेटी केत की शादी जिसके साथ हो रही है वेद, उसके बारे में हमें एक सच्चाई पता चलती है और उस सच्चाई की वजह से हम सब बहुत नाराज़ हो जाते हैं। बहुत बुरी तरह, बेचारा बहुत बुरी तरह पिट रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीटते पीटते ये सब टूट भी गया एंड पूरा बहुत टेंस हो गई थी सिचुएशन, बिकॉज उसने काम ही ऐसा किया था। यहाँ पे वेद का जो असली रूप है पता चलेगा कि वो चीट कर रहा है केतकी पे। केतकी के साथ मंडप में बैठे वेद पर थी हमारी जासूस मिष्टी की नजर, जो जानती हैं कि वेद पहले से ही शादीशुदा हैं और उनकी सहेली केतकी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। फिर क्या था, मिष्टी ने बनाया मास्टर प्लान और वेद का कर दिया काम तमाम। यहाँ पे उसकी जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ, मैं उसे बुला लेती हूँ, वो खुद ही आके सब बता देती है। उसके तीन भाई हैं, तो आई थिंक किसी को भी ये पहले सोचना चाहिए था ऐसा काम करने से पहले, कि एक लड़की जिसके तीन इतने बड़े बड़े भाई हैं, वो क्या हाल करेंगे उसका। किसी को भनक न लगे, इसीलिए पहले तो मिष्टी ने अबीर के कपड़े और पगड़ी पहनकर वेद का भांडा फोड़ करने का प्लान बनाया। लेकिन अबीर को हो गया मिष्टी पर शक, और जब अबीर ने पीछे जाकर मिष्टी को पकड़ा तो देखने को मिली इनके बीच नजदीकियां। आई होप मैंने सही काम किया है। बिल्कुल सही काम किया है अपने मिष्टी। अबीर को वेद की सच्चाई बताकर मिष्टी ने अबीर को भी अपने साथ ले लिया। फिर प्लान के मुताबिक वेद की पहली बीबी कांची को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने आकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो वहीं अपने आप को चारों तरफ से फंसा हुआ देख जब वेद ने भागने की कोशिश की, तो साले साहब ने मिलकर होने वाले जीजा जी की जमकर की लाद घूंसों से खातिरदारी। बेचारे वेद को बहुत मार पड़ी, लेकिन शायद वो वही डिजर्व करता है, क्योंकि एक लड़की के साथ वैसा नहीं कर सकता। भाई जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन राजवंश परिवार में आपका ये एहसान हमेशा नोटिस किया जाएगा मिष्टी, क्योंकि आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से जो बचा ली। वैसे इसी उधेड़बुन में आपकी और अबीर की दोस्ती भी परवान चढ़ रही है, जो आगे चलकर प्यार में जरूर तब्दील होगी। अभी मैं और अबीर बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, और हमारा जो बॉन्ड है वो और धीरे धीरे बढ़ रहा है। बस यही तो होना था मिष्टी, क्योंकि प्यार की शुरुआत दोस्ती के साथ ही होती है। अब देखते हैं आप दोनों की दोस्ती पर प्यार का रंग कैसे पड़ता है। मुंबई से प्रियांशु झा के साथ आज तक ब्यूरो।